हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मिशन गुरुकुल में। मैं जितेंद्र यादव आज आपके सामने प्रेजेंट करने जा रहा हूँ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। ये हमारा लेक्चर नंबर 6 है कंप्यूटर के बेसिक कोर्स का। इसमें हम लोग आपको बताएंगे सॉफ्टवेयर के बारे में, क्यों ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इससे किस किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे भी जाते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कि मैंने कंपाइल किए हैं कि किसी एसएससी में आए हैं या आरबीआई की उसमें आए हैं या फिर यूपीएससी में भी आए हुए क्वेश्चंस हैं। हमें आप बहुत ही अच्छी तरीके से अटेम्प्ट करना है और हमें जितने भी एब्रीविएशंस मैं आपको दूंगा वो भी आपको अटेम्प्ट करना है, और जितने भी आप अटेम्प्ट करेंगे तो हम लोग भी बहुत सारे मोटिवेट होंगे आपको और अच्छे अच्छे चीजें समझाने का और अच्छे तरीके से आपको चीजें बताने का। आप लोग इस चीज का ध्यान रखिए, कमेंट सेक्शन में जितने भी एब्रीवेशन आपसे पूछे जाते हैं, जितने भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, अगर बाद में देखते हैं, लाइव देखते हैं तो ठीक है, अगर बाद में देखते हैं तो भी आप उनको अटेम्प्ट करिए और उनके सारे के सारे आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए जरूर। हम लोग क्विकली अपने लास्ट लेक्चर के एब्रीवेशन पे बढ़ते हैं। लास्ट लेक्चर के जो एब्रीवेशन थे उनमें था, सबसे पहला था बेसिक। बहुत सारे लोगों ने इसके क्वेश्चन इन एब्रीवेशन के आंसर भी दिए हैं जो कि मैंने यहाँ पे लगाए भी हैं, जैसे प्रवीण बी ने दिया है, अभिषेक आनंद ने दिया है, सार्थक सतीजा ने भी दिया है। तो जैसे कि बेसिक का देख सकते हैं, तो बिगनर्स ऑल पर्पज सिंबोलिक इंस्ट्रक्शन कोड। एसक्यूएल का देख सकते हैं स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। लोगों का देख सकते हैं लैंग्वेज ऑफ ग्राफिक ओरिएंटेड, लॉजिक ओरिएंटेड, ग्राफिक ओरिएंटेड, ये भी होता है QUEL का, इसका है क्वेरी लैंग्वेज। और जैसे कि डॉस है तो इसका होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। आप लोग सभी लोग अटेम्प्ट करिए, सारे आप लोग भी दे सकते हो और आप कमेंट बॉक्स में जरूर से इसके जो भी एब्रीवेशन आपको आते हैं, अगर दो आते हैं तो दो का दीजिए, नहीं आते हैं तो उनको समझिए। आप लोग जितने अटेंटिव रहेंगे उतने ही ज्यादा हमें पढ़ाने में भी मजा आएगा। हम लोग देख लेते हैं सॉफ्टवेयर है क्या। सॉफ्टवेयर एक प्रोग्राम होता है जो कि हार्डवेयर को हार्डवेयर से इंटरेक्ट करने के काम आता है, उसको फंक्शनैलिटी को काम कराने के काम में आता है। तो बहुत से डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जिसमें कि दो पार्ट बेसिक होते हैं जो कि सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर में भी बहुत सारे पार्ट होते हैं जो कि हम देख सकते हैं, उसके कई फॉर्म ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, वो हम लोग आगे देखेंगे। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर की तरफ। हम लोग क्विकली देखेंगे, डेफिनेशन पे ध्यान देंगे, और क्योंकि हमारे बेसिक हम लोग क्वेश्चन आंसर सेक्शन रखते ही है तो क्वेश्चन एंड आंसर सेक्शन पे देखेंगे। तो आप लोग इस चीज इन चीजों को जो भी मैं बोल रहा हूँ उसको समझिए बहुत ध्यान से, क्योंकि क्वेश्चंस भी मैंने जो ये पूरी स्लाइड जो बनाई है, जो जितना भी प्रेजेंटेशन मैंने आपको प्रेजेंट करने की कोशिश की है वो ऐसे कंपाइल की है ताकि आपको जब इस टॉपिक को आप समझें तो क्वेश्चन एंड आंसर आपको इजिली उनको अटेम्प्ट भी कर सके। तो द सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है? कंसिस्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, सम यूटिलिटीज और सम कंप्यूटर फंक्शंस। सो इन सब से मिलकर बने होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये आप देख सकते हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर में जो पार्ट आता है ऑपरेटिंग सिस्टम, वो हार्डवेयर और एप्लीकेशन इनके बीच में, एप्लीकेशन जो कि यूजर से इंटरेक्ट करते हैं, लाइक जो भी हम लोग यूजर हैं, जो भी जिस GUI पे जो भी हम लोग क्लिक करते हैं या जो भी करते हैं वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से जो भी कमांड अपने अपने ऑपरेटिंग सिस्टम से जाते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम से वो इंटरेक्ट करता है हार्डवेयर से। तो आप देख सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि पार्ट है सिस्टम सॉफ्टवेयर का, वो सैंडविच है बिटवीन एप्लीकेशन एंड हार्डवेयर। सो आप बोल सकते हो कि सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है ना वो हार्डवेयर को कंट्रोल करता है, हार्डवेयर कैसे काम करेगा उसके लिए हम लोग सॉफ्टवेयर जो लिखते हैं उनको हम लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। तो हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। टाइप्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर में ये आते हैं, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, सम यूटिलिटीज, डिवाइस ड्राइवर्स, किसी भी डिवाइस होती है जैसे कि आपके टच स्क्रीन हो गई, जैसे कि आपका माइक्रोफोन हो गया है, जैसे आपका कोई मान लीजिए ये LCD होगी। तो इन सबको, ये सब तो हार्डवेयर है लेकिन इनको चलाने के लिए, इनको ड्राइव करने के लिए जो सॉफ्टवेयर होता है उसको डिवाइस ड्राइवर बोलते हैं। ट्रांसलेटर्स देख सकते हैं, ट्रांसलेटर्स में हमारे कंपाइलर, डिबगर और लिंकर्स, ये सब आते हैं। किसी भी कोड को, जो भी कोड लिखते हैं हम, सी में लिखते हैं, जावा में लिखते हैं, सी प्लस प्लस में लिखते हैं,
जब उसको कंपाइल करते हैं, तो जब कंपाइल करके जो हमने पढ़ा था पिछले बारे में सेक्शन में कि हर चीज जो भी कंपाइल होती है उसको वो एक मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट होती है। मशीन लैंग्वेज मतलब 0101 इन सब में कन्वर्ट होती है। तो उसका काम करने के लिए ट्रांसलेटर का आता है, जो कि जो भी एक एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का पार्ट होता है। सो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर की तरफ। ऑपरेटिंग सिस्टम या ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर क्या होता है? तो ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर क्या है? एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है विच कम्युनिकेट्स टू हार्डवेयर डायरेक्टली। सो आप देख सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, आप इमेज से समझ सकते हैं कि इसके मल्टीपल टास्क होते हैं। लाइक इसका काम होता है प्रोसेस मैनेजमेंट। प्रोसेस मैनेजमेंट लाइक आप कोई भी अगर टास्क देते हैं सॉफ्टवेयर, जब आप हम लोग लैपटॉप चलाते हैं तो लैपटॉप में ना माउस भी चल रहा होता है, उसके साथ साथ में आप बैकएंड के कुछ प्रोसेसेस देखेंगे ना, तो मल्टीपल प्रोसेसेस काम करती हैं। तो उन प्रोसेसेस को कौन सी प्रोसेस किस टाइम पे कहाँ पे एग्जीक्यूट होनी है, वो सारा का सारा काम ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर बोलते हैं। तो इसको हम बोलते हैं शेड्यूल करना, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है ना वो उसको शेड्यूल करता है कि कौन सी प्रोसेस कहाँ पे प्रोसेस करेगी, कहाँ पे शेड्यूल करना है। आईओ डिवाइस लाइक आप अपने स्टोरेज डिवाइस में उसमें कुछ राइट कर रहे हैं, उससे रीड कर रहे हैं, तो इनपुट आउटपुट डिवाइस मैनेजमेंट का काम भी ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। आप देख सकते हैं जैसे सिक्योरिटी मैनेजमेंट हो गया, सेकेंडरी स्टोरेज मैनेजमेंट हो गया, नेटवर्क मैनेजमेंट हो गया, फाइल मैनेजमेंट हो गया, ये सारे के सारे काम ऑपरेटिंग सिस्टम के काम होते हैं। नेटवर्क मैनेजमेंट है कि आपका किसी से कनेक्शन अगर इस्टेब्लिश करना है तो उसका काम भी ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है। सो ये सारे काम है तो आप इजिली समझ सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम भी एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का पार्ट है, जो कि जिसके मल्टीपल काम होते हैं कि प्रोसेस को मैनेज करना, कौन सी प्रोसेस कहाँ एग्जीक्यूट होगी, कितने वक्त पे होगी, कब होगी, आईओ डिवाइस मैनेजमेंट, इनपुट आउटपुट डिवाइस का मैनेजमेंट देखना है, फाइल मैनेजमेंट देखना है, नेटवर्क का देखना है, सिक्योरिटी मैनेजमेंट देखना है कि आपकी प्रोसेस सिक्योर है या नहीं है, सेकेंडरी स्टोरेज जो भी स्टोरेज हो रहा है आपका, जिसमें भी जो भी स्टोरेज होता है उसको भी मैनेज ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है। सो ये आपके मतलब ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है, सिस्टम है ये। आप देखिए कंप्यूटर जो है ना एक मतलब कम्पिटिटिव एग्जाम्स में तो आता ही है, लेकिन साथ में इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग को भी हमें समझना ही चाहिए, क्योंकि ना आज हम लोग देख सकते हैं कि डेली रूटीन में ना बहुत सारी चीजें हैं जो कि हमारे मल्टीपल काम में आती ही है, तो हमें इनकी बेसिक चीजें तो पता होनी ही चाहिए। जिसको भी अगर आपका बैकग्राउंड नहीं है सॉफ्टवेयर का, बट एटलीस्ट अगर आपको ये सारी चीजें पता है ना, तो भी आप बहुत ही मतलब अपनी नॉलेज बेस को बढ़ा सकते हैं इससे। तो आप लोग बहुत अच्छे से समझिए। तो टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में देख सकते हैं कि कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जो मल्टी प्रोग्राम होते हैं, मल्टीपल प्रोग्राम उसमें रन कर सकते हैं। कुछ होते हैं रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, जिसमें जो भी आप इनपुट देते हैं तो उसका आउटपुट रियल टाइम पे आता है, मतलब कि अगर उस 1 मिनट में अगर इस टाइम पे आता है तो वो हमेशा उस टाइम पे ही आएगा। तो रियल टाइम पे ऑपरेटिंग सिस्टम है, मतलब ऐसा नहीं है कि उसमें कोई उतने टाइम में अगर 1 मिनट में आना चाहिए कोई आउटपुट, तो 1 मिनट में नहीं आया तो वो एरर आ जाएगा, अदरवाइज आएगा तो 1 मिनट में ही आएगा। तो मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम भी होते हैं इसी तरीके से, तो मल्टीपल प्रोसेस एक साथ रन कर सकती हैं, तो इनको हम लोग मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम भी बोलते हैं। तो ये तो थे टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम जैसे हम लोग देख सकते हैं अपना विंडोज हो गया, लिनक्स हो गया, ये सारे मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम्स में आते हैं। अब देख सकते हैं हम लोग आगे बढ़ते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की तरफ। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जैसा कि हमने एक इमेज में देखा ही था आपने, तो उसमें क्या था, इसमें जैसे कि हम लोग देख सकते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। कहाँ पे है? यूजर, यूजर जिन जिन सॉफ्टवेयर से इंटरेक्ट करता है उनको हम लोग बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो यूजर डायरेक्टली, यूजर मतलब हम लोग किससे इंटरेक्ट करते हैं, हम किसी एप्लीकेशन से इंटरेक्ट करते हैं। तो एप्लीकेशन किस टाइप की हो सकती है? एप्लीकेशन मल्टीपल टाइप की हो सकती है, जैसे कि हमारी होती है कुछ, इनके टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि लाइसेंस से मतलब लाइसेंस से भी रिलेटेड होते हैं, जैसे जैसे कि ओपन सोर्स हो गया, कि कुछ एप्लीकेशन है जैसे कि ना जो ओपन सोर्स है, मतलब पूरे वर्ल्ड में वो ओपन है। और अभी जैसे कि आपने देखा ही होगा कि आरोग्य सेतु ऐप आई थी, तो इसका क्या था, कोड पहले तो
जो हमारी गवर्नमेंट एजेंसी थी उसके पास था, बट उसने क्या किया कि उसका फ्रंट एंड का जो कोड था ना वो ओपन सोर्स कर दिया, कि कोई भी उस कोड को ले सकता है, मॉडिफाई कर सकता है और उसको उसको देखना चाहता है तो वो देख सकता है। तो वो ओपन सोर्स है, मतलब इसमें कोई लाइसेंस की जरूरत है, आप लो यूज करो, उसको डिस्ट्रीब्यूट करो, जैसा भी करना है वैसे कर सकते हो। प्रोप्राइटरी होते हैं, जिसमें की प्रोप्राइटरी होती है कि मान लो आप बहुत सारी मल्टीपल एप्लीकेशन है जिनके सॉफ्टवेयर बन रहे हैं, जैसे कि आप देख सकते हो फ्लिपकार्ट है मान लो, या फिर आप अपने इंडियन कोई भी ले लो, अमेजोन है, तो इन सब के ये सॉफ्टवेयर है ना, तो ये प्रोप्राइटरी है, इनका कोड इनके पास ही होता है और ये आपको वो सॉफ्टवेयर उसको यूज आपको कर रहे हैं तो उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, उनकी पॉलिसीज होती हैं, उसके बेसिस पे ही आपको करना है। कॉन्ट्रेक्चुअल क्या होते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट दे दिया है, सॉफ्टवेयर है कुछ, मतलब कि आपने बताया कि भाई 1 साल तक आपको यूज करना है, उसके बाद आपको कुछ अलग से कॉन्ट्रैक्ट बनाना पड़ेगा। जैसे कि हम लोग लाइसेंस बहुत सारे देख सकते हैं जिनके मिलते हैं 1 साल के बाद वो मतलब 1 साल के बाद एक्सपायर हो जाते हैं। सो जैसे कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में हम लोग बहुत सारे एग्जाम्पल भी देख सकते हैं। लिनक्स आता है, जैसे कि हमारा जो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे कि अपना विंडोज है ऑपरेटिंग सिस्टम, ऐसी लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये ओपन सोर्स है, मतलब ये इट इज ओपन फॉर ऑल, इट इज ओपन फॉर पब्लिक, मतलब पब्लिक आएगी इसका कोड लीजिए आप, अगर आप मतलब इंटेलिजेंट है उसको चेक करिए, उसको देखिए उसमें बग्स हैं, उसमें क्या है उसको सॉल्व करिए और आप अपना बना लीजिए, मतलब अपना कोई भी वर्जन आप अपना लिनक्स का अपने पास रखिए, अपना कोड लिख रखिए, सब कुछ आपके पास है। ऐसी ड्रूपल है, वर्डप्रेस है, पुटी है, तो ये सब ऐसी एप्लीकेशन है जो कि ओपन सोर्स है, मतलब इनका कोड अवेलेबल है, आप यूज कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो, बेच सकते हो, कुछ भी करना है करो। ये तो था, मतलब ये सारी चीजें थी ना, ये सिंपल है ना, मतलब ये मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि क्या है चीजें। देखिए, आप लोग जितना भी इंटरेक्ट करेंगे चीजों से, जितना भी चीजें समझने की कोशिश करेंगे, तो उसको अब मैंने ना बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में समझाने की कोशिश की है, तो ये मेन मेन सारी चीजें यही है जो कि हमारे बेसिक क्वेश्चन है, आंसर इन्हीं से बनते हैं। तो आप लोग इन चीजों को समझिए और जो क्वेश्चन एंड आंसर है उसको बहुत ही अटेंटिवली उसको अटेंड करिए, और क्योंकि आप लोग जितने आंसर्स देंगे उससे हम लोग मोटिवेट होंगे और आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश हम लोग जरूर करेंगे। तो आप लोग क्विकली रेडी हो जाइए, मेरे आंसर देने से पहले सारे लोग आंसर दे देंगे, तो ये मेरी मतलब आपसे उम्मीद है। सो हम लोग देखते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, द फंक्शन ऑफ एन असेंबलर इज, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने जानबूझ के रखा है। ये क्वेश्चन आपका आई थिंक ये पीसीएस में भी आया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चंस क्या होते हैं, ये कंप्यूटर के जो क्वेश्चन है ना बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं, आपके ना मतलब बोनस है आपके लिए, अगर 5, 6, 10 नंबर के जो भी जिस भी एग्जाम में अगर आते हैं ना, तो ये इतने इजी है कि आप लोग 10 क्वेश्चन ऐसे ही लेके जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आप पढ़ लीजिए, बस यहाँ पे ही पढ़िए, आप समझिए क्वेश्चन आंसर को बहुत इजीली समझिए और उसको अटेम्प्ट करिए, आपको इससे अलग क्वेश्चन मेरे हिसाब से तो नहीं आएगा बिल्कुल भी। सारे क्वेश्चन हम लोग इसके बाद हम लोग रिविजन भी करेंगे, सब कुछ करेंगे, तो सारे के सारे क्वेश्चन ट्राई करेंगे, सारे सारे हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं, द फंक्शन ऑफ एन असेंबलर इज, क्वेश्चन नंबर ए, ऑप्शंस ए टू कन्वर्ट बेसिक लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज, टू कन्वर्ट हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज, कन्वर्ट असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज और असेंबली टू हाई। तो इसका ऑप्शन जो है वो है सी, असेंबली से मशीन लैंग्वेज कन्वर्ट करने के लिए असेंबलर है। इसके बारे में हम लोग प्रीवियस चैप्टर्स में भी, प्रीवियस जो लेक्चर्स थे उनमें भी हमने पढ़ा था। तो क्वेश्चन नंबर 2, सॉफ्टवेयर इन कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर क्या है कंप्यूटर में, इनहेंसेस द कैपेबिलिटी ऑफ हार्डवेयर मशीन, इंक्रीज स्पीड ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, बोथ ऑफ अबव और नन ऑफ द, इंक्रीज द स्पीड ऑफ सेंट्रल, ये नहीं हो सकता, इंक्रीज नहीं करता है कंप्यूटर का जो सॉफ्टवेयर होता है वो, नहीं होता वो यूटिलाइज करता है, सॉफ्टवेयर जो होता है वो आपके हार्डवेयर को यूटिलाइज करता है ना कि इंक्रीज करता है, वो हार्डवेयर की कैपेबिलिटी है। तो इसका ऑप्शन जो है वो है ए, इनहेंसेस द कैपेबिलिटी ऑफ हार्डवेयर मशीन। क्वेश्चन नंबर 3,
प्रोग्राम्स डिजाइन टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क इज नोन एज सिस्टम्स ऑफ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूटिलिटी प्रोग्राम्स ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइन टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। तो ये क्या है, कुछ स्पेसिफिक टास्क करने के लिए बना होता है जो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसका आंसर है बी, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, एनएवी, एफप्रॉट, ओरेकल, मैकेफी। देखो मैकेफी तो आप लोगों ने सुना होगा, एनएवी, एफप्रॉट में भी नहीं सुना होगा, ओरेकल तो आपने बिल्कुल सुना होगा, ओरेकल का कोई एंटीवायरस नहीं आता है, तो और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ओरेकल। ओरेकल आपका डेटाबेस प्रोवाइड करता है और भी मल्टीपल चीजें प्रोवाइड करता है। क्वेश्चन नंबर 5, ऑपरेटिंग सिस्टम एडिटर्स एंड डिबगर्स कम्स अंडर। देखो ऑपरेटिंग सिस्टम तो पता है हमें, एडिटर्स एंड डिबगर्स तो ये भी देख लो, अगर ऑपरेटिंग सिस्टम है, एडिटर्स एंड डिबगर है, तो ये एक ही में आते होंगे, इसका मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम किसमें आता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर में, तो इसका आंसर जो होगा वो होगा सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो नहीं सकता, यूटिलिटीज हो नहीं सकता, यूटिलिटीज तो सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही पार्ट माना जाता है, बहुत जगह यूटिलिटीज को अलग भी रखा गया है, पार्ट ऑफ सॉफ्टवेयर माना गया है, बट इसको अभी हम लोग यही समझेंगे कि ये सिस्टम सॉफ्टवेयर का पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 6, आई होप सब लोग आंसर दे रहे हैं, बहुत ही आप लोग अटेंटिवली आंसर दीजिए सभी लोग। व्हाट इज मीन्ट बाय डेडिकेटेड कंप्यूटर, विच इज यूज्ड बाय 1%, विच इज असाइंड वन एंड ओनली वन टास्क, विच यूजेस वन काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर, विच इज मीन्ट फॉर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो डेडिकेटेड कंप्यूटर क्या होता है, कि डेडिकेटेड है जिसको वन एंड ओनली वन टास्क एग्जीक्यूट करना है, तो डेडिकेटेड कंप्यूटर होते हैं बहुत सारे, तो कि उनका सिर्फ टास्क होता है कि उनको अगर एक प्रोग्राम उनमें फिट करके दे दिया है तो वही करेगा वो, सो उनको हम लोग बोलते हैं डेडिकेटेड कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेज इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। आप कोई भी सॉफ्टवेयर आप डेवलप करते हैं तो क्या करते हैं, पहले स्पेसिफिकेशन एंड डिजाइन, देख लीजिए स्पेसिफिकेशन एंड डिजाइन आप ऐसे करना है, स्टार्ट कैसे कर देंगे, पहले आप टेस्टिंग करोगे, नहीं आप सिस्टम एनालिसिस, मेंटेनेंस, तो सबसे पहले आप करोगे सिस्टम की एनालिसिस, आपके पास क्या क्या अवेलेबल है, क्या चीजें हैं, तो सबसे पहले एनालाइज करोगे, उसके बाद स्पेसिफिकेशन एंड डिजाइन पे जाएंगे, फिर देखेंगे, फिर डेवलपमेंट होगा, फिर टेस्टिंग होगी, फिर मेंटेनेंस होगा, ये सब चलता है। तो क्वेश्चन नंबर 8, सर्चिंग वर्क्स इन ए सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड डिबगिंग, टेस्टिंग, एनालिसिस, कंपाइलिंग। सॉफ्टवेयर में जो बग्स होते हैं उनको निकालने के लिए क्या होता है यूज, तो उसके लिए हम लोग करते हैं यूज टेस्टिंग। ये एक फेज होती है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की जिसमें हम लोग सिर्फ हमारा काम होता है बग्स को निकालना। सो ये क्वेश्चन सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये क्वेश्चन आई थिंक SSC में आया था, तो SSC CGL में, तो आप लोग अटेम्प्ट करिए बहुत ही अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 9, द प्रोग्राम विच आर एज परमानेंट एज हार्डवेयर एंड स्टोर्ड इन रोम इज नोन एज। सो प्रोग्राम जो कि परमानेंट होता है और स्टोर होता है रोम में, रोम में स्टोर होता है, हम लोगों ने रोम पढ़ा था, EEPROM, PROM, ये सब पढ़ी थी, EEPROM, इरेजिबल वाली, तो रोम क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी, तो रीड ओनली मेमोरी में जो स्टोर होता है वो क्या होता है, विच इज परमानेंट भी है और जिसका काम क्या होता है, तो रोम का काम क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे को सिस्टम को बूट करने के काम आता है, तो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर रोमवेयर कुछ नहीं है, तो इसका आंसर है सी, फर्मवेयर। फर्मवेयर जो होता है ना वो एक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का मिल के बना हुआ एक पार्ट है जो कि यूज होता है बूट करने के, सिस्टम को बूट करने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 10, आप लोग आंसर्स देते रहिए। द क्वेश्चन नंबर 10, द पर्सनल हु डील्स विद द कंप्यूटर एंड इट्स मैनेजमेंट पुट टुगेदर आर कॉल्ड सॉफ्टवेयर, ह्यूमनवेयर, फर्मवेयर और हार्डवेयर। तो फर्मवेयर हमने पढ़ी लिया है, हार्डवेयर हमें पता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है ये भी पता है, तो इसका आंसर जो है बी, ह्यूमनवेयर। तो ह्यूमनवेयर होता है जो कि कंप्यूटर और उससे पढ़ता है, तो मतलब जो भी होते हैं सॉफ्टवेयर से रिलेटेड चीजें होती हैं उनको देखने वाले, उनको हम लोग ह्यूमनवेयर बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, बूटिंग द सिस्टम मीन्स, आप देखिए बताओ ह्यूमनवेयर बन गए, सॉफ्टवेयर भी है, ह्यूमनवेयर भी है, फर्मवेयर भी है। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, बूटिंग द सिस्टम मीन्स, सिस्टम को बूट करने का मतलब क्या है, लोडिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम, कोई ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड, तो सबसे पहले जब हम लोग बूट करते हैं ना किसी सिस्टम को, क्या खुल के आता है, एक OS का आता है, देखो अगर कंप्यूटर खोला होगा तो विंडोज का आता है, अगर हम लोग मोबाइल फोन करते हैं जिसमें कि एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है या फिर आपका iOS ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, तो अगर इनको ओपन करते हैं तो क्या आता है, iOS खुल के आता है या एंड्रॉयड खुल के आता है या विंडोज खुल के आता है,
लोडिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम इसका करेक्ट आंसर है ए, लोडिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम। बूटिंग का मतलब है लोडिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 12, इन एमएस डॉस द कमांड दैट इज यूज टू क्लियर द स्क्रीन। अब ये इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे लोगों ने अगर यूज नहीं किया होगा तो मैं बता देता हूँ। देखो एमएस डॉस है तो डॉस है, डॉस में क्या होता है क्लियर, क्लियर स्क्रीन ये सब नहीं होते, इतने छोटे मतलब आप समझ लो कोई भी आपसे ना क्वेश्चन जो पूछा जाएगा ना तो वो ऐसा नहीं पूछा जाएगा। अगर कमांड वाला कोई भी क्वेश्चन आपके पास आता है ना तो आप ये मेरे मैंने अभी तक नहीं देखा है कि कोई भी कमांड ऐसे आपके से पूछा जाए जिसमें स्पेस हो, तो क्लियर स्पेस स्क्रीन, तो ऐसे कमांड आपसे नहीं पूछे जाएंगे। क्लियर वाइप ये सब नहीं कमांड होते हैं, कमांड है CLS, तो क्लियर करने के लिए क्लियर स्क्रीन होता है तो CLS बोलते हैं उसको। तो क्लियर स्क्रीन करने के लिए एमएस डॉस में जो होता है या डॉस में जो भी आप या फिर आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कमांड लाइन जो विंडोज की कमांड लाइन है उसमें भी क्लियर स्क्रीन को करने के लिए कौन सा फंक्शन यूज होता है, तो वो होता है CLS। ठीक है, ये क्लियर जो यूज होता है ये होता है आपके लिनक्स में। सो आप CLS को याद रखिए एमएस डॉस के साथ या विंडोज के साथ, और क्लियर को याद रखिए ये होता है लिनक्स में यूज। क्लियर स्क्रीन और वाइप ये कुछ नहीं है, ये फालतू गया। क्वेश्चन नंबर 13, पिक द ऑड वन आउट। तो ऑप्शन है आपका पहला यूनिक्स, एमएस डॉस, विंडोज 98, एक्सेस। तो क्या भाई यूनिक्स भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, एमएस डॉस भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज 98 भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, चौथा बचा चौथा एक्सेस, तो ये भाई ऑड है। तो इसका जो आंसर है वो है डी, 13 का डी। 14 देख लेते हैं, टीच टेक्स्ट इज द सॉफ्टवेयर अवेलेबल इन विच ओएस। टीच टेक्स्ट इज द सॉफ्टवेयर अवेलेबल इन विच ओएस, तो ये देख लेते हैं। एक देखो ये अभी आपने अगर हम सब लोग यूज कर रहे हैं विंडोज या फिर वो आप लोगों ने यूज किया क्रोम, देखो क्रोम कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता है, क्रोम आपका एक ब्राउजर है जिसको हम लोग गूगल क्रोम भी बोलते हैं, तो ये तो आंसर हो नहीं सकता। ऑप्शन ए लिनक्स, तो एक ऑप्शन तो हमने हटा दिया, अब हमारे पास बचे हैं लिनक्स, विंडोज और मैक। तो लिनक्स जो होता है उसमें बहुत सारे जितने भी है ना हर चीज जो भी ना वो फाइल है, बट अब देखो विंडोज में आपने शायद इसको देखा ही ना हो कभी, तो मेरे हिसाब से ना अगर आप तुक्का भी मारोगे ना तो डी मारना, मैक, दैट इज मैक। सो जो टी स्टैक्स होता है ना वो की मैकनीटोस, इस वाले जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं जो मैक वाले एप्पल वाले जो होते हैं ना उनमें ऑपरेटिंग सिस्टम होता है मैकनीटोस। तो आपका जो आंसर होगा वो है डी, टी स्टैक्स इसमें यूज होता है मैक में। तो क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द बग, व्हाट इज बग इन ए कंप्यूटर। कंप्यूटर में बग क्या है, बग ए वायरस, प्रोग्राम, एन एरर और ऑन प्रोग्राम, और स्टोरेज डिवाइस। देखो स्टोरेज डिवाइस हो नहीं सकता, एक वायरस, वायरस तो अलग ही होता है, वो एक प्रोग्राम ही होता है, ठीक है ना। एक प्रोग्राम, एक बग एक प्रोग्राम है, नहीं आप ना सॉफ्टवेयर बनाते हो, सॉफ्टवेयर में कोई भी प्रॉब्लम आती है ना उसमें कोई भी एरर आती है तो उसको हम लोग बग बोलते हैं, तो एन एरर ऑन ए प्रोग्राम दैट इज कॉल्ड बग। सो ये तो थे हमारे क्वेश्चन एंड आंसर, आई होप आप सब लोगों ने करेक्ट आंसर्स दिए होंगे, और नहीं दिए हैं तो कम से कम आप उन सबको मैच कर सकते हैं, और आप लोग इसको आप लोग फिर से ट्राई करिए, अगर नहीं होता है तो आप लोग एक बार फिर से देख सकते हैं क्वेश्चन एंड आंसर सेक्शन। तो और आप लोग अपने दोस्तों को भी बोलिए कि अगर इन सब चीजों को देखें और उनको समझें और इसके अटेम्प्ट करिए, बहुत ही ईजी है और बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है, मतलब अगर इनको आप करेंगे तो आपके मैं मतलब बोल सकता हूं कि इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आने वाले हैं। तो अब हम लोग देख लेते हैं आज के अपने डेली अब्रीवेशंस जो आपको अटेम्प्ट करने हैं, और हम लोग इनके बारे में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो सबसे पहला अब्रीवेशन है जो कि है कैड, सेकेंड है RTOS, थर्ड इज OS, फोर्थ इज MS Word, फिफ्थ इज MS DOS। बहुत ही सिंपल अब्रीवेशन है, इन सबको आई होप आप लोग अटेम्प्ट करेंगे, और इन सबके आंसर्स आप भी दीजिए कमेंट बॉक्स में, सारे लोग आंसर्स देंगे, और आपको जो भी डाउट्स अगर आते हैं तो आप लोग ट्राई करिए कि कमेंट बॉक्स में उन सारे डाउट्स को आप लिखें, हम लोग ट्राई करेंगे कि उनके बारे में एक कोई लेक्चर बनाए और आपको उन सारे डाउट्स को उन पे वहां पे क्लियर कर सके। तो आई होप आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा, अगर ये पसंद आए तो आप सब्सक्राइब और लाइक
अपने दोस्तों को, अपने आप लोग भी करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। थैंक यू सो मच गाइस।